पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके के एक खाली प्लाट में रखे गए सीवर पाइप लाइन में लग गई भीषण आग। उसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस आग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में सीवर लाइन डालने के लिए प्लास्टिक के पाइप लाइन को खाली प्लाट में ठेकेदार ने रखा था। बुधवार दोपहर 1 बजे लोगों ने पाइप लाइन को धू धू कर जलते हुए देखा और उन्होंने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी थी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।